स्वागत है इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में शिवसेना का प्रदर्शन होगा। पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना प्रदर्शन करने वाली है। शिवसेना विधायक दल के नए नेता भी प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जो स्थिति महाराष्ट्र की बनी हुई है उसके बाद शिवसेना बैकफुट पर है और शिवसेना अब प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। थोड़ी देर में शिवसेना का प्रदर्शन शुरू होगा। पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना प्रदर्शन करने जा रही है। बता दें एकनाथ शिंदे शिवसेना के विधायकों के साथ इस वक्त सूरत में रुके हुए हैं और ये बड़ा झटका माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार इस वक्त खतरे में है। क्या कुर्सी बचा पाएंगे उद्धव, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच शिवसेना एक्टिव हुई है और प्रदर्शन का ऐलान किया है। पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना प्रोटेस्ट करेगी, प्रदर्शन करेगी। थोड़ी देर में शिवसेना के नेता प्रोटेस्ट करेंगे, विधायक दल के नए नेता भी प्रोटेस्ट करेंगे। और ये दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर, उनके पास चलेंगे। दिनेश, शिवसेना ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया, थोड़ी देर में प्रदर्शन होगा, इस बारे में क्या जानकारी आपके पास? देखिए, शिवसेना ने तय कर लिया कि जिस तरह से उनके सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, उद्धव ठाकरे को पूरी पार्टी को अस्थिर करने की जो कोशिश की जा रही है और जो आरोप उन्होंने लगाया कि ये पूरी साजिश एकनाथ शिंदे भले ही चेहरा हो, बगावत वो कर रहे हो, लेकिन इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, इस तरह का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के हर जिले में, हर बड़े शहर में आज शाम से ही शिवसेना के जो तमाम बड़े नेता है उस अपने अपने इलाके में विरोध प्रदर्शन करेंगे और जनता को ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि एकनाथ शिंदे भले ही दावा कर रहे हो, उन्होंने उनके जो भी वजह हो, लेकिन उनको भड़काने के पीछे, पार्टी में बगावत करने के पीछे एक छिपा हाथ किसी का है तो वो है भारतीय जनता पार्टी का। और ये एक मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है शिवसेना के काडर को कि भले ही बीजेपी की तरफ से अटेम्प्ट किया जा रहा हो इस सरकार को गिराने के लिए, लेकिन शिवसेना अब भी पहले की तरह मजबूत है। वो इस बगावत के खिलाफ झुकेगी नहीं, डरेगी नहीं। कोशिश वो जरूर कर रही कि जो विधायक गए हैं उन विधायकों को वापस लाया जाए, लेकिन उनकी कोशिश ये रहेगी कि एक लार्जर मैसेज दिया जाए उनके काडर को, साथ ही में जनता को, कि ये सरकार स्थिर है। जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।